तुसी देखो पंजाब दे विच एक दौर आ रहा जिस वेले डेरा कल्चर सानू बहुत खतरनाक मोड़ते जांदा लग रहा है। डेरिया च वह जाता जिन्हू साडा मेन स्ट्रीम रिलीजन जिहड़ा है वह स्पेस नहीं प्रोवाइड करता। असीं कहने जात पात, बहुत लोगों को घट पता होना जात पात का मतलब क्या। जात मैंने कास्ट, पात मैंने कतार, हर कास्ट की अलग कतार लगती। मलूके पिंड की घटना हुई, तियां लगियां, वह गातला धारी सी बंदा जिन्हें तियां लाइया, वह सारा पिंड वह कम कुड़ियां करदियां रहियां, बीबियां कम करदियां रहियां। जदों तियां झूटण की वारी आई तो कहिंदा तुहाडियां पिंगा बाहर, थोड़ा लंगर बाहर, तो जिम्मेदार दिन जनानियां अगे आ जाओ। वह कुड़ियां दो तीन उधर चले गई तो धक्के फड़ के बाहर भी कड़ियाँ। तुहानू एक एक पिंड चौदह चौदह गुरुद्वारे मिल जाएंगे। यदा मतलब कास्ट सरवाइव कर रही है, यदा मतलब मेन स्ट्रीम रिलीजन तुहानू कितें रिपेल कर रहा, तुहानू एडजस्ट नहीं कर रहा, तुहाडी वो डिग्निटी जिहड़ी है वह कितें हर्ट हो रही है। तुसी पेंडू इकाई दे विच किसी भी गुरुद्वारे चले जाओ, तुसी किसानां दे कह लो, जट्टां दे कह लो, उस गुरुद्वारे दे विच जिहड़ी पांत लगनी है ना, कतार लगनी है, वह आटोमैटिकली कास्ट वाइज लग जानी है, तुहानू कहण दी लोड़ नहीं पैणी। दोस्तो भारतीय समाज के जाति प्रबंध एक इदा का दुखांत कह लिए आपां हैगा जिन्हें कि भारतीय समाज को हज़ार साल पिछे धक्या आ और राजनीति हुंदी रही आ जात नूं लै के, जिस तरीके नाल डिवीज़न होई आ इस देश दे विच समाज की जात नूं लै के राजनीति हुंदी रही आ और जात राजनीति है जिहड़ी वो इन्नी सिरों पार हो गई आ कि पिंडां दे गुरद्वारा साहब तक जां धार्मिक स्थानां तक कह लिए जां पिंडां दे रोजाना दे जीवन तक वो बज्जी हुई आ, नाल जुड़ी हुई आ। तो हुण फिर चर्चा दे विच आ पंजाब, खास करके क्योंकि हजे पंजाब दे विच इह मन्निया जांदा कि जात दा जिहड़ा बखरेवा आ जां वितकरा बहुत घट आ बाकी स्टेटां दे मुकाबले। पर पिछले दिनां दे विच कुछ घटनावां वापरियां, धर्म बदली दी गल चली वी धर्म बदले जा रहे आ, कोई कहिंदा वी धक्के नाल जां लालच दे के धर्म बदलिया जा रहा, कोई कह रहा भी लोग मजबूरी चो धर्म बदल रहे क्योंकि उन्होंने बराबरता नहीं मिली। की आ मसला आपां गल करांगे, साडे नाल ने दलित लेखक जां बुद्धिजीवी कहा जांदा देसराज काली जी। सत श्री अकाल जी। काली साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, मेहरबानी। काली साहब, जिस तरह आपां गल कीती आ कि जात प्रबंध आ जिहड़ा भारतीय समाज दा एक बड़ा वड्डा दुखांत है और हुण पंजाब दी गल करिए भी धर्म बदली नूं लै के जात प्रबंध फिर चर्चा च आया, किदां देखदे हो कि जिहड़ा धर्म बदलियां हो रही ने इहदे पिछे जाति प्रबंध कितें खड़ा जां कोई होर कारण है? देखो सोशल इनजस्टिस जिहड़ी है, असी जदों पंजाब नूं उहदी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जिहड़ी गल तुसीं कह रहे सीगे ना, इत्थे थोड़ा जिहा पेत लाया, साडे अनटचेबिलिटी नहीं है, हुण नहीं है, पहले सी। तुसीं आ धर्म मंडल मूवमेंट की गल जो करोगे 1920-25 तो शुरू हो जाती है, 31 तक चलती है, बहुत बड़ी मूवमेंट लड़ी गई सी। तां उस वेले जिहड़े अनटचेबिलिटी दे सवाल सीगे उनू वह मुद्दा बनाया जा रहा सीगा, अनटचेबिलिटी भी पंजाब दे विच सीगी। सैकंड जिहड़ी कास्ट है, तुसीं देखो पंजाब दे विच एक दौर आ रहा जिस वेले डेरा कल्चर सानू बहुत खतरनाक मोड़ते जांदा लभ रहा, बट जदों असीं डेरियां दा स्ट्रक्चर देखते हैं, डेरियां च कौन जाता है? डेरियां च वह जाता जिन्हों साडा मेन स्ट्रीम रिलीजन जिहड़ा है वह स्पेस नहीं प्रोवाइड करता। तुसी पिंडां च चले जाओ, जट्टां दे गुरद्वारे बखरे ने, आ धर्मियां दे बखरे ने, मजबियां दे बखरे ने, रामगढ़ियां दे बखरे ने, छींबियां दे बखरे ने, तुहानू एक एक पिंड च चौदह चौदह गुरद्वारे मिल जाएंगे। इहदा मतलब कास्ट सरवाइव कर रही है, इहदा मतलब मेन स्ट्रीम रिलीजन तुहानू कितें रिपेल कर रहा, तुहानू एडजस्ट नहीं कर रहा, तुहाडी वह डिग्निटी जिहड़ी है वह कितें हर्ट हो रही है। दैन दे गो टू वह की करते ने, वह जाते ने फिर डेरिया च, डेरिया च उन्होंने एक शैल्टर मिलती है, जिहड़े डाउन ट्रोडन ने, जिहड़े कास्ट के तौर दे उत्ते धक्के हुए ने, जिहड़े अपने गरीब ने, चाहे वह जट फैमलिया चो ईवन जिहड़े गरीब ने, किसानां चो जिहड़े गरीब ने, वह भी डेरिया वल नूं जाते हैं। क्योंकि जदों असी कल्चरल हैजमनी की गल करते हैं, देखो ये बहुत गहरा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, धर्म परिवर्तन वाला सवाल भी जिहड़ा ना, जदों असी ईसाई मिशनरीज़ दे मेन स्ट्रीम वालियां जिहड़ियां चर्चिज ने उन्होंने आपां जो 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 धार्मिक आगू साहबान ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके कहा कि यह जो हो रहा ड्रामेबाजी यह साडा धर्म नहीं अलाओ करता, यह वहम भरम, यह दुआवां देनियां, भूत कढ़ने, चड़ेला कढ़निया,
उची उची रौला पाउणा, इह असीं नहीं आ, इह कोई होर ने। बट उह कौण ने जिहड़े आ गए? और जे उह आ गए तां उह मालवे च देख लो तुसीं, उह दुआबे च देख लो तुसीं, उह माझे च देख लो तुसीं। तां इक इहदा मतलब सोसाइटी च इक स्पेस पई सी, जे इस स्पेस च उह आ गए ते उन्हां दी उस स्पेस दे विच उह लोक पहुँच गए जिन्हां नूं बाहर कितें कोई थां नहीं सी मिल रही, जिन्हां नूं ढोई नहीं सी मिल रही, जिहड़े नताणे सी, नथामे सी, न्योटे सी, न्यासरे सी, उन्हां नूं आसरा मिल गया। हुण उह आसरे नूं देखो, हर बंदा असी फिर भी समाजिक प्राणी हो गए, बहुत तरक्कियां कर गई साइंस जो भी कर गई, बट ईवन दैन तां वी साढ़े नेचर दा कुछ ना कुछ अंश ऐसा पिया हुंदा आ जिहड़ा सानूं भयभीत रखदा है, सानूं नेचर तों डर लगदा। जे करोना आया सानूं नेचर दी करोपी लगी, है ना। करोना के तो माता के मंदिर भी बनाते लोगों ने डरदिया मारिया ने, है ना। उ चलो दैट्स अनदर। मैं कह रहा कि उस लई एक आस्था वाला स्थान उन्होंने चाहिए होंगे जिथे उन्होंने ऐ लगे कि हाँ यार मेरा अपनापन मैं महसूस हो रहा, मेरा ये अपना डेरा है, जे मेरी कास्ट जी खपा रहा है। कली साहब जिमें सिख धर्म की आप गल करिए, सिख लहर की गल करिए, वो एक कास्ट दे सिस्टम जिहड़ा पिया सी उहदे खिलाफ लंगर प्रथा शुरू हुंदी आ, पंगत प्रथा शुरू हुंदी आ, उहनूं तोड़न लई जिहड़ा धर्म होण चाहिया, अज जिद्दां तुसीं कह रहे कि उहदे विच ही रिपेल कीता जा रहा दलतां नूं, उहदे विच ही जिहड़ी डिवीजन बन गईआं अलग अलग धर्म दे, जिहड़े जातां दे जिहड़े गुरद्वारे बन गए, जट्टां दा गुरद्वारा, रामगढ़ियां दा गुरद्वारा, एसीआं दा गुरद्वारा, की लगदे हो कि श्रोमणी कमेटी कितें आपदी जिम्मेवारी नहीं निभा पाई? देखो श्रोमणी कमेटी दी मतलब कल्ली कमेटी जिम्मेवार नहीं हुंदी है, कमेटियां जिम्मेवार नहीं हुंदियां, कमेटियां अपनी भूमिका निभा रही हुंदियां ने। एक इन टोटल सोसाइटी दी स्ट्रक्चर हुंदा, ढांचा हुंदा आ जिहड़ा उह जि मान लो तुसीं, मैं पेंडू इकाई नाल जुड़िया होया, है ना, तुसीं पेंडू इकाई दे विच किसे भी गुरद्वारे चले जाओ, तुसीं किसानां दे कह लो, जट्टां दे कह लो, उस गुरद्वारे दे विच जिहड़ी पांत लगनी है ना, कतार लगनी है, वह आटोमैटिकली कास्ट वाइज लग जानी है, तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पैणी। समझे ना गल? हुण तुसीं मलूके पिंड दी घटना होई, तीआं लगियां, वह गातरा धारी सी बंदा जिन्हें तीआं लाईआं, वह सारा पिंड वह कम कुड़ियां करदियां रहियां, बीबियां कम करदियां रहियां, जदों तीआं झूटण दी वारी आई तां कहिंदा तुहाडियां पिंगा बाहर, तुहाडा लंगर बाहर, तो जिम्मेदारां दीआं जनानियां अगे आ जाओ, वह कुड़ियां दो तीन उधर नूं चले गईआं तां उह धक्के नाल फड़ के बाहर भी कढ़ियां। ये कल दीआं गल्लां ने, आ तीआं दा त्यौहार बरसातां च हो के हटिया, कल दीआं गल्लां ने इह, है ना। सो वह जिहड़ा एक इनविजिबल जिहड़ा दिखदा नहीं आ पर वह सरवाइव करदा है। असीं कहिंदे जात पात, बहुत लोगों को घट पता होना जात पात का मतलब क्या, जात मैंने कास्ट, पात मैंने कतार, हर कास्ट की अलग कतार लगती है इन इंडिया, और इतने साडे भी कतार अलग लगती है, गुरुद्वारे वखरे क्यों हो गए, यदा मतलब कतार अलग है, मजहबियों के भी क्यों वखरे हो गए, यद मतलब कतार अलग है, रामगढ़िया के क्यों कट्ठे हो गए, यद मतलब कतार अलग है। सो वो जो तू कई बार दिखता नहीं होंगे बट वो सरवाइव कर रहा, और उस सरवाइवल के बच्चों ही डेरे पैदा होंगे ने, उस सरवाइवल के बच्चों ही हुण की है, बंदा खौफ ज़्यादा है, उदी जेब च पैसे नहीं आ, पॉकेट च मनी नहीं आ, परचेजिंग पावर नहीं है, बीमारियां ना जकड़ लिया, वह गरीबी गुरबत, वो इन्ना खौफजदा हो गया कि उन्होंने फिर भ्रम दे विच जीना चंगा लगता है, उन्होंने उची उची रौला पा के भूत कढ़ने चंगे लगते, उन्होंने लगता हाँ भूतों तो मेरा छुटकारा हो रहा हौली हौली हौली। सो इट्स ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आलसो, असी उन्होंने टच ही नहीं किया कदे परसनली, किसी टच करके तो देखो उदे भुब्बा मार दिंदा बंदा, भरिया पीता होवे तुसी उन्हूं कल ना लाओ, वो भुब्बा मार दिंदा और रिलैक्स हो जाता, वो तो रिलैक्स फील कर रहा है, क्यों ना जाण। वह नंबर दो थे जिहड़े चीकां मारदे आ उन्हीं कदे गरेबान में झाकिया, अपने गलमे च झाकदे आ वह भी, ये उधर क्यों जाता भाई, आ बंदा तेरी सोसाइटी का गरीब मातड़ बंदा, ये दूजिया के क्यों जाता है भाई, तू कदे सद्दिया ही नहीं यार, तू उन्हें कदे नेड़े जाने की कोशिश ही नहीं की, तू वो कदे दुख च शरीक ही नहीं होया, तुसी सारा साडा सारा साडे पोलीटिकल लोगों का बिहेवियर देख लो, वो तो अजे भी सुखबीर बादल वर्गे हरिजन शब्द वरतते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली बैंड है,
उन्होंने ये सारे हरिजन ही है, हरी दे जाने हैं, सब सब उ ने जिदा तो हरिजन शब्द के उत्ते चर्चा होंगी रही है, चर्चा होंगी रही है कि लगता कि हरिजन की व्याख्या कैसे कर अपना पे टैक्निकल जी गलां ने, मैं इन्ना संकीर्ण नहीं कदे भी सोचता हूँ। वो जिस वे हरिजन चलता से उस वे हरिजन चलता, हम दलित शब्द के उत्ते किंतु कई ने करना शुरू कर दिता, जबकि दलित शब्द जोड़ा है वो दलित पैंथर तो ज्योतिराय फूले होर तो है, और एक सैद्धांतिक एक फिलोसफिकल एक दार्शनिक शब्द है जिदे अंबरेला थले सारिया कास्टा आ जानी है। दलित डजंट मीन मजहबी, दलित डजंट मीन आ धर्मी, दलित डजंट मीन अदर शड्यूल कास्ट, साढ़े तो 31 शड्यूल कास्टा ने, वह सारिया एक अंबरेले थले आ जानी है। यदा मतलब तू एक मुठ्ठी करने वास्ते दलित शब्द बहुत प्यारा शब्द है, पर इन लोगों को वो भी विजक्षण हो गया। सो ये लड़ाइया सिद्धांतक ने, बट समाजिक लड़ाइया जो जाने हैं तो मैं फिर कहना दोबारा, कास्ट इज़ देयर, डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर, स्पेस इज़ देयर। तुसी कदे गले नहीं लाया, किसी नूं गले ला के देखो, वो लाउंदे ने गले, लाए उन्हें ने गले। एक जिस तरीके नाल डेराबाद वल लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यह कहना भी पंजाब दे विच तां पहलां तो यह चीज़ है कि गात्रे वाला बंदा नैणा देवी दे भी जांदा, पीरां दे भी जाके मत्था टेकदा, इनू धार्मिक डेमोक्रेसी के नाम नाल कहिंदे आ, नवाजदे आ। ते बाकी जिहड़े जिहड़े लोग कहिंदे आ भी नहीं डेरियां ते जाणा जां माता ते जाणा जां पीरां ते जाणा गलत आ, उह कहिंदे आ भी इह इक सिख धर्म की तानाशाही दे विचों निकलिया होया विचार। मैं हजमानिक कल्चर की गल की सी, शायद तुसीं उस गल नूं समझ सके होवो। नंबर दो ते मैं कित्थे जाना कित्थे नहीं जाता मेरी आस्था, मैनूं कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिंदा है मैं कि कपड़े पाने, मैं की बोलना, मैं की विचारना आ, मैं मेरिया कुछ ड्यूटीज़ ने, बट मैनू कोई हक्कण वाला नहीं है कि मैं डंगर की तरह मैनू कोई हक के लै जाए, है ना। कोई कितने जाता जाए, इट्स डिपेंड्स ऑन, तुहानू आज़ादी दिंदा साडा कॉन्स्टिट्यूशन, आज़ादी दिंदा साडा संविधान, सानू आज़ादी दिंदा कि यार तू जिथे जाना जाए। ये कड़ा हो जाना, ये सिक्खी का की नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। वो हो सकता हो दूजे सिखा नालों वध तानाशाही अकाली साहब गल करदा, जिवें पहला भी खबर आईयां नेगियां भी टोपियां वालियां नूं कुट्टिया तक गया, उन्होंने टोपियां ला के वर्षियां ते टंग लईयां जांदियां नेगियां, ते जे कोई किसी होर धर्म नूं अपणाउंदा तां उहदा क्रिटिसिज़म इस तरीके नाल करदा। हुण उह दौर नहीं है, हुण उह दौर नहीं है, वर्षियां ते टंग लईयां जां उह दौर नहीं है, उह दौर लंघ लुंघ गए ने, उह पुराने दौर हुंदे ने। हुण तां लड़ाई हो रहा है, उह ना सानू समझ लगती है, ना साडे समाज नूं समझ लगती, ना पोलीटिकल लोगों ना धार्मिक लोगों। मैं इक्को ही गल च निबेड़ देनी है, वह माड़ी जी सीढ़ी लाउंदे आ ते सारा कुछ बदल। तुहाडी बहुत मेहरबानी आ, इन्नियां की गल्लां करांगे, मैं थोड़ा थक्या। धन्नवाद जी काली सर। इह सन देसराज काली जी, जिन्हां ने भारती जात प्रबंध ते बड़े तिखे कमेंट कीते आ कि किस तरीके नाल इस प्रबंध ने समाज नूं पिछे धक्किया और रिपैल किया, जिहदी वजह करके जिहड़े दलित भाईचारा जिहनूं आपां कह लईए भी उह बहुत सारे होर डेरियां वल नूं जां धर्म परिवर्तन वाले पासे नूं चले, उहदे पिछे साडे समाज दे यथार्थक जिहड़े हालात ने वो पए आ, जिहड़ी हरैरिकल डिवीजन इस समाज दे विच पई आ, वो इहदे पिछे पई आ।